डॉक्टर उमंग खन्ना जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया अभी नोबेल कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित है। ये संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे भारत की बात करें या वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें। पूरी दुनिया के सरकारों ने अपने यहाँ लॉकडाउन किया, लेकिन इसके उपरांत देखा गया कि अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की डैमेज हो रही थी और ये माना गया कि लॉकडाउन सिस्टम को अनलॉक किया जाए और लोग एहतियात बरतें, हम मेडिसिन पे काम करें, लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, जिससे हम अनलॉक करते हुए भी इस महामारी को रोक सकें और इससे मुक्ति पा सकें। अभी वर्तमान स्थिति को आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से इस महामारी से अपने आप को बचा सके तथा अपने संबंधियों या अपने करीब में रहने वाले लोगों को बचा सके? वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है। सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, समय पर लॉकडाउन करा गया, पूरी दुनिया ने इसको सराहा, लेकिन स्थितियाँ अभी उतनी अनुकूल नहीं आ पाई हैं। तो इसलिए आम जन की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अब उनको कोरोना के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। एक वक्त तक उन्हें मालूम नहीं था, आज आपको कोरोना के बारे में बहुत कुछ मालूम है। आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी की सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें। भले ही सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है, अनलॉकडाउन 1 हो गया है, लेकिन आपको घर के बाहर नहीं निकलना है अगर आपका ज़रूरी काम ना हो। रीज़न बीइंग कि या तो आप किसी को समस्या दे सकते हैं या आप किसी से समस्या लेके अपने घर में लोगों को समस्या दे सकते हैं। तो यह जो पीक की बात हो रही है, कोरोना का इन्फेक्शन की पीक आने की कोविड-19 की बात हो रही है, हमको इसको बचाने के लिए आपस में इमोशनली, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इमोशनली तो हम लोगों को जुड़ना रहेगा, लेकिन जो है हाथ जोड़ के ही काम चलाना पड़ेगा। दूसरी बात हाइजीन, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आज भी हिंदुस्तान के मैं कहूँगा 40-70% हाउस होल्ड्स में हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। तमाम नगर निगम रोज वैन निकल रही है, जगह जगह नगर निगम सैनिटाइज कर रहा है। आपको उसका लाभ अपने घर तक लाना है, उन लोगों को अपने घर एंट्री देनी है। कहीं कहीं मैं भ्रांति भी देखता हूं कि उनको अंदर क्यों आने दिया जाए अपने घर के, तो वो आप ही के लिए अंदर आ रहे हैं। तीसरी बात कि हमको जो है वो अवेयर रहना है। अवेयर आप कैसे रह सकते हैं? अवेयर आप तब रहेंगे कि किसी को आप आस पड़ोस टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा देखें, बॉडी उसको छींकता हुआ देखें, उसको खांसता हुआ देखें, उसको सांस फूलती हुई देखें, वो अगर गले में घुटन बता रहा है, सीने में कसाव बता रहा है, तो तुरंत उसकी काउंसलिंग करें। ऐसा नहीं आप डॉक्टर नहीं हो सकते, आप इतने डॉक्टर हो सकते हैं कि आप किसी के सही दिशा दिखा सकें। तो आपको ऐसे लोगों बीच बैठना है और ऐसे लोगों को जो है वह गाइड करना है कि आप तुरंत आरोग्य सेतु एक बहुत बेहतरीन ऐप है, पूरी दुनिया ने इस ऐप को सराहा है, हमारे फ़ोन में भी है, हमारे सारे स्टाफ के फ़ोन में भी है। यहाँ इसके फायदे में आम जनता को आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है आरोग्य सेतु की, जैसे ही आप किसी कोविड-19 पेशेंट के हुए या होने वाले पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तत्काल कोविड वो आरोग्य सेतु ऐप आपको स्क्रीन पर बता देगा कि अभी अभी आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, उसका पैनल पूरा लाल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कोविड-19 का, इस उसका आरोग्य सेतु ऐप का इस समाज के लिए। तो आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड रखें और उसका लाभ लें। तो अगर आप हाइजीन रख लेते हैं, अगर आप अवेयर रह लेते हैं और अगर आप आइसोलेशन में रह लेते हैं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलते हैं, या आप ये 3 सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ठीक से फॉलो कर लेते हैं अलॉन्ग विथ मास्क, तो निश्चित रूप से भारत बहुत ही जल्दी सरकार के प्रयासों से कोविड-19 से जीतने वाला है। यह जो पीक है यह बहुत जल्दी फ्लैटन हो जाएगी और फिर हम लोग पुनः पुरानी स्थिति में होंगे। डॉक्टर साहब, आपने हाइजीन की बात की, आपने सरकार के द्वारा जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है उसकी बात की, प्लस आपने आरोग्य सेतु ऐप की बात की कि इसके माध्यम से इसके फैलाव को रोका जा सकता है। लेकिन अभी इसमें एक अहम बात है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए अभी वैक्सीन नहीं बन पाई है। ये सारे जो हम उपाय कर रहे हैं उसके फैलाव को हम रोक रहे हैं कि कैरियर लोग ना बने इसको फैलाने के लिए, लेकिन बहुत सारी एलोपैथ में भी दवाई बताई जा रही है, प्लस हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें बहुत सारे वैक्सीन की बात की जा रही है जिसके माध्यम से इम्यून सिस्टम को बढ़ा के इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है, जो इससे प्रभावित हो गए हैं वो स्वस्थ हो सकते हैं। अभी ऑथेंटिक रूप से 100% कोई दवा कारगर नहीं कही जा रही है। इस स्थिति में अब जो भारतीय
परंपरा में आयुष पद्धति है उसको कितना कारगर देख रहे हैं और उससे इसके इसी लड़ाई में कितनी मदद मिली। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। एलोपैथी में इसकी दवा अभी है नहीं, ट्रायल चल रहा है, हो जाएगी जल्दी, लेकिन जो आयुष की पद्धतियाँ हैं जिसमें मैं होम्योपैथ विशेषज्ञ होने के नाते मैं उस पर चर्चा कर पाऊँगा, यह निश्चित रूप से सर्वोत्तम पद्धति है आपके कोरोना को इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और ये मैंने अपने क्लिनिक पर देखा है, मेरा नादान महल रोड नखास पर क्लिनिक है जहाँ 300 मरीज रोज आते हैं, और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ ये कोई ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है कि हमारे यहाँ 30,000 से 50,000 लोगों को COVID-19 की दवा, पुराना लखनऊ एक बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर लोगों को मुफ्त में निःशुल्क रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुई, और एक व्यक्ति को भी नादान महल रोड और नखास के एरिया में लखनऊ के कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ होम्योपैथी की दो दवाएं, एक दवा उसमें से भारत सरकार द्वारा जो जारी करी गई है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ट्यूट है आसनिक एल्बम 30 और दूसरी इन्फ्लुएंजिनम 200, यह दो रामबाण दवाएं हैं जो निश्चित रूप से कोरोना को रोकने में, प्रिवेंट करने में बहुत बहुत ही कारगर साबित हुई है हमारे क्लिनिक पे। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, तो निश्चित रूप से मैं अपने श्रोताओं को भी बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, कि आप लोग आर्सेनिक एल्बम 30 हर महीने 3 दिन लगातार सुबह खाली पेट, जैसा कि भारत सरकार ने पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के ट्वीट के माध्यम से कहा है, और आर्सेनिक एल्बम 200 3 दिन लगातार शाम को हर महीने सोने से पहले, इन दो दवाओं को ले लें। हमारे यहाँ जिन 30,000 लोगों को यह दवा दी गई, एक को भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर इसको ले लेंगे, अपने बच्चों को दे देंगे, एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, तो उनको भी कोरोना COVID-19 का इन्फेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने होम्योपैथी के बारे में बताया, लेकिन अभी आयुर्वेदिक दवाई की जो गिलोय की बात की जा रही है, या कहा जा रहा है बहुत सारे चवनप्राश आप खाइए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, योग की बात की जा रही है, ये कितना कारगर है इस फैलाव को रोकने के लिए या इस बीमारी के संक्रमण को रोकने? ये बहुत कारगर है। देखिए, आयुर्वेद इज द लाइफ ऑफ साइंस, आयुर्वेद को जीवन की पद्धति कहा जाता है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा ग्लोय है। यह सब चीज़ें आपकी जो यह एनर्जीज होती हैं जो ब्रह्मांड में घूम रही हैं, बहुत से हमारे श्रोता इससे, जो पुराने लोग हैं वो इससे परिचित होंगे, और नई पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो यह पृथ्वी, जल, आकाश, ये फायर, यह जो एलिमेंट्स हैं, यह जो वात पित्त और कफ के माध्यम से पूरा आयुर्वेद इसको मैनेज करता है, वो वापस वास्तव में अविस्मरणीय है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग जिसकी वैल्यू नहीं समझते, यही ग्लोय और इन्हीं चीज़ों की घर किनारे उगता है, या बाबा रामदेव इसको बहुत सरलता से आपके सामने योग को ला देते हैं। कोई वेबसाइट आप खोल के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, कम से कम एक सिटिंग का विदेशी अपने देश में इसी आयुर्वेद का $2,000 लेते हैं एक घंटे का। तो और योग की तो बात ही क्या, वो एक साइंस है जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल, आपके दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों को जो है वह एक प्लेन में लाती है, आपको पीस प्रोवाइड करती है। तो निश्चित रूप से योग करें, और भारत सरकार का इस बार योग दिवस का जो एक भव्य कार्यक्रम होता था वो नहीं हो पाया इस कारण से, ये COVID-19 कारण से, लेकिन आप पिछले सालों के भारतीय सरकार के प्रयास को अवश्य ध्यान रखें और उसके विषय में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, योग अवश्य करें और 21 जून को घर घर बैठ के योग दिवस मनाएं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हाइजीन की बात अगर की जा रही है, तो एक तो घरेलू स्तर पे लोगों को हाइजीन मेंटेन करना होगा, दूसरी संस्थागत स्तर पर, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, कार्यालय हैं, या जो हमारे बिजनेस सेक्टर्स हैं वहाँ लोग जाते हैं, तो वहाँ भी हाइजीन मेंटेन करना होगा। इस पूरे हाइजीन मेंटेन करने में लोगों को कैसे सहूलियत बरतनी चाहिए, किस प्रकार से मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर को कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताएं? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, WHO की गाइडलाइन है कि अगर आपको हाथ धोने तो 20 सेकंड तक धोने, एक बात। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, 3 फीट की दूरी, इमोशनल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ना हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए। तीसरी बात, जो मास्क की बात आती है, देखिए मास्क में आप 4-5 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, मास्क डैमेज ना हो। दूसरी बात, अगर आपका कपड़े का मास्क है, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, गमछा या कुछ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसको कर रहे हैं, उसको वॉश करते रहें, उसको धोते रहें। तीसरी बात, मास्क को इस तरह पहने कि आपका जो नोज का एरिया है ये छूटे ना, यहाँ से ठीक से फिटिंग नहीं आ पाती, और वही जो बाजार के मास्क होते हैं, 95 मास्क या कोई, उनमें यहाँ पे एक पीतल की पट्टी लगी रहती है, तो वो यहाँ आपको थोड़ा सा क्लोज कर देती है।
मास्क की बात, और उसके अलावा आप मास्क की अदला बदली ना करें। एक चीज है कि आप चालान और पुलिस से बचने के लिए लो भैया तुम जा रहे हो मास्क देख दिया, लो भैया तुम पहन लो, लो बहन तुम पहन लो, तो ये ना करें। ये 2 रुपए के पीछे हो सकता है आपके जीवन में 14 दिन आपको क्वारंटाइन में बिताना पड़े, तो ऐसे कार्य को ना करें। मास्क की अदला बदली ना करें, मास्क डैमेज हो तो उसको तुरंत रिप्लेस करें और समय समय पर उसको धोते रहें और रिप्लेस करते रहें। डॉक्टर साहब, एक अहम बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जैसे सामान्य सीजन में देखता है फ्लू की बीमारी होती है, लोगों को खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो आदमी के अंदर एक भय होता है कि अगर ठीक आ गई किसी को, उसको डर लगता है कि हमको कोरोना नहीं हो रहा है या मेरी फैमिली साथ में रह रही है। ऐसी स्थिति में आदमी को क्या करना चाहिए, और इन केस अगर कोई कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो उसे हाइपर किस तरीके से ना हो कि उसका परिवार बिल्कुल प्रभावित ना हो कि जानलेवा हो जाएगा, बल्कि जरूरी है कि इससे ऐसे उपाय किए जाए जिससे लोग सेफली इस संक्रमण से निकल सकें। यानी जिसको क्वारंटाइन की जरूरत है होम क्वारंटाइन, वो घर में रहे, जिसको बाहर हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, स्थिति काफ़ी सीरियस है, वो उसको हॉस्पिटल जाए और अपने परिवार को बचाए और बाकी सरकार के साथ भी सहयोग करे। इसीलिए आप किसी बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने ये भी उठाया। सबसे अच्छा तो आकाशवाणी सवाल बहुत अच्छा उठाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपके किसी को हो गया तो सबसे पहले उसका बायकाट ना करें। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, WHO ने अभी कहा है कि कोरोना का इन्फेक्शन जब ख़त्म हो जाता है किसी व्यक्ति, वो नेगेटिव आ जाता है, तो उसके शरीर में उसका वायरस नहीं रहता है। तो इस बात का WHO का आप लोग वेबसाइट पर जाके हमारे श्रोतागण इसको चेक कर सकते हैं। तो उसका सामाजिक तिरस्कार ना करें जिसको कोरोना हुआ है, आपको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, यह पूर्णतया ठीक हो जाने वाली चीज़ है। और तीसरी जो आपने बात उठाई कि इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन में 3 बातों को आप नोटिस करें। अगर आपकी सांस फूल रही है, आपको गले में कसाव लग रहा है और आप गहरी सांस नहीं ले पा रहे और फीवर आ रहा, तो अवश्य आप आरोग्य सेतु ऐप पर जाएँ। आपके मोबाइल में आजकल हर व्यक्ति पास स्मार्टफोन है और हर जगह इंटरनेट है। इस भारत सरकार की इंटरनेट क्रांति के माध्यम से, 4G क्रांति के माध्यम से, आप उस पर आरोग्य सेतु ऐप खोलें, अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर लें, तो ऑटोमेटिक GPRS से सरकार को भी पता लग जाएगा और आपको भी सही दिशा मिल जाएगी कि आपको कोरोना है कि नहीं। डॉक्टर साहब, समाज के वो कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप इस संक्रमण को झेल पाएंगे, लेकिन वो कौन सा ऐसा समूह है जो इस संक्रमण को नहीं झेल सकता, ऐसे किसको किसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हें किस प्रकार से एहतियात बरतें? बहुत अच्छी बात है। देखिए, निश्चित रूप से देखा गया, इटली हमारे सामने एग्जाम्पल है, वहाँ की पॉपुलेशन जो जीरेटिक पॉपुलेशन थी, जो एस्ट पॉपुलेशन थी, वो सबसे ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा मौतें भी वहाँ हुई थी। तो घर में हमारे बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को, इन दोनों लोगों को, इस दो तरह के एज ग्रुप के लोगों को बिल्कुल भी इस समय बाहर नहीं निकलना है। देखिए, यंग आदमी तो रोजी रोटी के लिए निकलेगा, 3 महीने से लॉकडाउन है, हिंदुस्तान में 70% लोग रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, लेकिन जो बच्चों के निकलने की ज़रूरत है, अभी मैं एक मॉल गया था, कुछ सामान लेना था, जरूरत का लॉकडाउन खुला, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे माँ बाप मॉल में लिए चले आ रहे थे, हालांकि मॉल वाले उनको साइड में करके रोके दे रहे थे, लेकिन उनके आने की ही क्या ज़रूरत है। तो माँ बाप का काम है कि उन बच्चों का ध्यान रखें, और बड़े बुजुर्ग भी एक तरह के बच्चे ही होते हैं, उनका भी आप लोग ध्यान रखें, उनको पब्लिकली एक्सपोज न करें। और इम्यूनिटी की जहाँ तक बात है, इम्यूनिटी तमाम आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ हैं उनसे बनती है। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग CCFT पीना शुरू करें, या CCFT, क्यूमिन, कोरिएंडर और फनेल। फनेल इज सॉफ्ट, कोरिएंडर इज दिस धनिया एंड दिस क्यूमिन, सीज क्यूमिन, जीरा, तो आप इस सौंफ, तो इसका आप जब टी को गर्म करके पीना शुरू करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा होम्योपैथी में एक दवा आती है एचिनेशिया, आप एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया 1x पावर में एक एक टैबलेट सुबह शाम बच्चों बुजुर्ग और स्वयं पूरा परिवार ले ले, तो आपका इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाएगी और COVID-19 आपको कहीं से भी घेरा हो आपका, आपके परिवार का, समाज का नहीं करने पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके सरकार का और आपस में एक दूसरे का सहयोग करें जिससे बीमारी से निजात पाए। मैं लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जिस बात से इंटरव्यू शुरू हुआ था कि हमको आपस में ज़रूरत ना दूरी बनाए रखनी है, आप इतना सा काम कर लें, अगर आप आपस में दूरी बनाए रखेंगे तो जो है एक दूसरे से इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। दूसरा बहुत आसान बात है, मास्क पहनना, बहुत छोटी सी बात है, 10 रुपए का मास्क आता है, वो भी ना हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आपका गमछा बहुत है, गमछा हर घर में होता है या रुमाल हर घर में होता है, तो आप मास्क अवश्य पहने जब बाहर निकलें।
सैनिटाइजर पास में रखें, हाथ को 20 सेकंड तक पूरा यहां तक धोते रहें, पूरी बाह की शर्ट पहने तो अच्छा है, ना पहने तो भी चलेगा। तो इस तरह की आप चीज़ों को ध्यान रखें। और यहाँ पर बहुत लोग इससे परेशान है कि शूज़ से ना फैलता हो, तो शूज़ से कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन अगर आसपास आपकी कम्युनिटी में कोविड 19 का इन्फेक्शन है, क्योंकि बच्चे टॉडलर्स ज़मीन पे ही खेलते हैं, या हम लोग भारतीय संस्कृति में ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के अच्छा लगता है, लेटते हैं, तो आप शूज़ घर के बाहर, यानी कि घर के बाहर के अपनी लॉबी में उतारने का एक सिस्टम रखिए। लॉबी मीन्स नॉट कमरे की लॉबी, लॉबी मीन्स जो घर के बाहर की लॉबी एंट्रेंस है, वहीं कोने में कोई अलमारी लगा के आप पास से शूज़ बाहर उतारना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अमूल जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आकाशवाणी हम लोग के क्लिनिक पर आया और हम लोग को गौरवान्वित किया। धन्यवाद सर।